एमपीपीएससी भर्ती प्रक्रिया में देरी से अभ्यर्थी नाराज हैं। नाराज अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी लापता के पोस्टर लगाए। हैशटैग एमपीपीएससी लापता सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। 1,00,000 से ज्यादा ट्वीट का यहां पर टारगेट रखा गया। कैंडिडेट्स ने नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन का गठन यहां पर कर दिया है। अब आपको बताएं, NEYU कैंडिडेट्स की मांगों को लेकर कैंपेन चल रहा है। एमपीपीएससी कैंडिडेट्स लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। युवा जागरूकता अभियान इनकी ओर से चलाया जा रहा है कि युवाओं को और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है और वो भी आवाज अपनी उठाना जो है शुरू करें। इंदौर से शुरू हुआ अभियान छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर तक पहुंच गया है। इंदौर में आपको बताएं कि एमपीपीएससी मुख्यालय पर अभ्यर्थी ने धरना दिया, माफ कीजिए, पीएससी मुख्यालय पर अभ्यर्थियों ने धरना दे दिया है एमपीपीएससी को लेकर। चूंकि प्रक्रिया नहीं हुई, प्रक्रिया में लगातार देरी चल रही है और अब यहां पर पीएससी मुख्यालय पर इंदौर में धरना दिया गया। वहीं 2019 के बाद से ही नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थी खासा परेशान हैं। चयनित अभ्यर्थियों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। हैशटैग एमपीपीएससी लापता सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अभ्यर्थियों की नाराजगी इन पोस्टर्स के जरिए दिखाई दे रही है, जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि हैशटैग एमपीपीएससी लापता। क्योंकि अब यहाँ पर भर्ती जो है वो नहीं हुई है, भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिसकी वजह से इनके भविष्य पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि आपको बताएं कि अभ्यर्थी चयनित हैं लेकिन उनमें आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रक्रिया जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाहियों का जो दौर है वो चल रहा है। इनकी ओर से ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में देरी से अभ्यर्थी नाराज हैं, जिसको लेकर ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर सहित कई जगहों पर अभ्यर्थी इसके विरोध में उतर चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग एमपीपीएससी लापता ट्रेंड कर रहा है। तो 2019 में परीक्षा 4 साल से अटकी हुई है। 2019 में जो परीक्षा हुई अब वो 4 साल से अटकी हुई है, क्योंकि उसमें भर्ती नहीं हुई है, प्रक्रिया में देरी के चलते। दरअसल इन अभ्यर्थियों का गुस्सा इस तरीके से फूटता हुआ, आक्रोशित होते हुए ये अभ्यर्थी दिखाई दिए कि इन्होंने अब हैशटैग एमपीपीएससी लापता ट्रेंड करवा दिया। जी हाँ, जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है। ग्वालियर हो, इंदौर हो, हर जगह जो तैयारी कर रहे हैं छात्र पीएससी की, उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये एक बड़ी खबर भी है। चूँकि आपको बताएं कि हैशटैग एमपीपीएससी लापता जो इनकी ओर से शुरू किया गया जो हैशटैग, अब वो ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर। काफ़ी ज़्यादा ये जो हैशटैग है एमपीपीएससी लापता, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। वहीं पोस्टर लगाकर, तख्ती लगाकर, चूंकि जगह जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और साथ ही दीवारों पर ये पोस्टर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। ये देखिए, इसमें खुद लिखा भी हुआ है कि हैशटैग एमपीपीएससी लापता, और कैंडिडेट्स लगातार मांग भी कर रहे हैं। ग्वालियर और इंदौर से ये तस्वीरें, और ग्वालियर से हमारे साथ कर्ण मिश्रा जुड़ गए हैं और इंदौर से हमारे कर्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं और इंदौर से हमारे साथ हेमंत शर्मा जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले तो कर्ण, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो मौजूद हैं। मैं चाहूंगी बातचीत करिए और प्रतिक्रिया लीजिए कि खासा परेशानी उनको हो रही है और अब तक कितनी परेशानियों का सामना उन्होंने किया। देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले जो युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका प्रोटेस्ट देखने में आ रहा है, यही कारण है कि हैशटैग एमपीपीएससी 2019 लापता ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। हमारे साथ तैयारी करने वाले वही युवा मौजूद हैं। क्या पूरा रीजन रहा है आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर भी आपका एक पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, चौक चौराहों पर चल रहा है, पोस्टर लगा रहे हैं आप लोग? जी सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमपीपीएससी की जो भर्ती है वो 4 साल से नहीं हो पाई है। 2019 की भर्ती अभी तक अटकी हुई है, साथ ही साथ जो 2020 की भर्ती हुई है उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है, और व्यापम की भर्ती जो है उनको तो सालों हो चुके हैं। पटवारी के जो एग्जाम है 2017 के बाद से नहीं हुए सर, तो एमपीपीएससी के विद्यार्थी और जितने भी व्यापम वाले विद्यार्थी वो सभी परेशान है। तो क्या क्या रीजन क्या है, रिजर्वेशन का इशू बना रहे हैं आप लोग, क्या पूरा रीजन क्या है? सर देखिए, मुख्य मुद्दा यहाँ पर रिजर्वेशन का ही खतरा है। ओबीसी रिजर्वेशन का मामला जो 14 और 27 का पेंच अटका हुआ है, माननीय न्यायालय ने इसके बारे में कहा हुआ है कि 14% आरक्षण देकर आप भर्ती आगे बढ़वा सकते हो, लेकिन
सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द 14% या 27% जो भी हो उसी के हिसाब से कानूनी तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए इस प्रोटेस्ट में एमपीपीएससी के स्टूडेंट तो शामिल है ही, क्या अन्य आप जैसे युवा भी इसमें शामिल हो गए? जी, जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं सभी इसमें शामिल हैं सर। स्टेट प्रिपरेशन जितने भी लेवल पे कर रहे हैं सभी लोग इसमें शामिल हैं। क्या मन में आप लोगों की क्या शंका आ रही है अपने करियर को लेकर या जॉब को लेकर? सर हम लोग काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि 2019 के बाद से अभी तक भर्ती नहीं मिली है। हमारा सिलेक्शन हो जाता लेकिन ऑफर लेटर नहीं आता सर, तो आप समझ रहे हैं महंगाई भी बढ़ रही है, बहुत सारी परेशानी आ रही है सर। बिल्कुल, तो उसका जल्द से जल्द निवारण हम यही चाहेंगे। और भविष्य कहीं ना कहीं असमंजस में इनका जो दिखाई दे रहा है और इसी वजह से आज इस कदर विरोध इनका दिखाई दिया कि वो सड़कों पर उतरकर नजर आए और विरोध इन्होंने दर्ज करवाया। हमारे साथ लौटूंगी मैं आपके पास कर्ण, हमारे साथ इंदौर से हेमंत भी जुड़े हुए हैं, वहां पर भी लगातार एमपीपीएससी को लेकर विरोध किया जा रहा है क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही हैं, देरी हो रही है। तस्वीरें अगर हम बात करें इंदौर से हेमंत, तो अलग अलग तस्वीरें हमने देखी, लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर अभ्यर्थी, कैसे परेशान हो रहे हैं यहाँ पर वो? देखिए बिल्कुल, एक तस्वीर मैं आपको यहाँ की दिखाना चाहूंगा जहाँ पर ये एमपीपीएससी के कोचिंग संस्थान है जहाँ पर एमपीपीएससी की तैयारियां कराई जाती है। इसके बाहर आप देख सकते हैं कि पोस्टर्स लगे हुए हैं एमपीपीएससी लापता, तो ये साफ तौर पर जो छात्र हैं 2 साल से भर्तियां नहीं निकली हैं उससे ये काफी परेशान है और मानसिक रूप से प्रताड़ना की भी हद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 साल से भर्ती अटकी हुई है, मानसिक प्रताड़ना की हद होती है। ये पोस्टर लगने के बाद में यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है और जो यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर जो मौजूद थे उन्हें तितर बितर कर दिया गया है। उन्हें साफ कहा गया है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर हु हल्ला ना हो, इस प्रकार के पोस्टर ना लगाए जाएँ। वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं उन्हें सीधा कोचिंग सेंटर के अंदर भेजा जा रहा है। कुछ स्टूडेंटों से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि जो पुलिस है पुलिस ने सभी स्टूडेंट्स को इधर उधर कर दिया है और जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं एमपीपीएससी पर, क्या लग रहा है एमपीपीएससी की भर्ती नहीं हुई है, कितने समय से परेशान हो रहा है? सर 2017 में हम लोग आए हुए थे सर, और 2017 में आए थे सर, पिछले 7 साल हो गए सर हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं, और इंतजार की ये आलम है सर कि इसका ख़त्म होने का कुछ है नहीं। पीएससी के पास जाते तो पीएससी कहता है कि सर जीएडी जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके द्वारा हो पाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग कहता है ये है कि हाईकोर्ट जाने, हाईकोर्ट आपस में एक दूसरे के पास एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं और कोई क्लियरेंस नहीं मिल पा रही हम लोगों को। हम एटलीस्ट ये चाहते हैं कि हमारी क्लियरेंस मिले कि आपको जो करना है करें, बट हमारा इंटरव्यू कंडक्ट कराएं, बस हमारी यही मांगे हैं। तो साफ तौर पर मांगे इंटरव्यू कंडक्ट कराएं। कितने समय से परेशान हो रहे हैं, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप? सर मैं व्यापम और अन्य भर्तियों के लिए सर पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं। 2017 के बाद से सर मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती है, एसआई भर्ती है, ये सभी भर्तियां कंडक्ट नहीं हुई जो कि ईयरली कंडक्ट होती थी। हर साल में सर इनके कुछ हज़ारों या कुछ 800-900 इस प्रकार के पद आते थे जो पिछले 5 साल से एक भी बार नहीं आए, और हर साल 6 महीने में हमें जरूर घोषणाएँ जरूर देखने को मिलती है कि अभी 1.25 लाख नौकरियां दे देंगे, अभी 16 लाख नौकरियां दे देंगे। उसके एक साल भर बाद सर ये भी सुनने में आता है कि ये नौकरियां कहीं पे दे भी दी या फिर मध्य प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पर सर हमारे पास कभी नहीं, अभी तक नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, घर पे मेहनत कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं सर कि हम फ्री में कोई नौकरी मांग रहे हैं, केवल हम नौकरी का चांस मांग रहे हैं, रोजगार का चांस मांग रहे हैं, जो कि अगर हम लायक होंगे काबिल होंगे तो पढ़ाई करके मेहनत करके हम वो हासिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो लंबे समय से परेशान हो रहे हैं क्योंकि भर्ती नहीं हुई है अगर, और पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ, जो पैसा वो भी खर्च होता है। कितनी परेशानियों का सामना आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं भर्ती नहीं हो पा रही? तो सर हम लोग पिछले 4-5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। पहली बात तो 1 साल का टाइम लेकर कोई भी स्टूडेंट आता है कि परीक्षा होगी, मैं फिर फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ मेंटली हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि तारीख पे तारीख होती जा रही है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हमारा कब इंटरव्यू होगा, हम कब सिलेक्शन लेके जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हम बीच में भटके हुए हैं तो हम किसी और की एग्ज़ाम की तैयारी करें, हम प्राइवेट में चले जाएँ, इंटरव्यू वाला कैंडिडेट क्या करेगा, ना वो इंटरव्यू में है ना पूरी तरह से बेरोजगार है, तो एक मना स्थिति हम लोगों की ऐसी होगी कि ना यहाँ के रह गए ना वहाँ के रह गए। मानसिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, कई परेशानियाँ आती। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पढ़ने के लिए? सर हमें आए हैं यहाँ से होशंगाबाद से आए हुए हैं। तो आर्थिक स्थितियों का भी सामना बिल्कुल सामना करना पड़ता है, इंदौर जैसे शहर में रहना आसान काम नहीं है, वो भी माँ बाप इतने मेहनत करके भेजते हैं, फिर कई खर्चे होते हैं, इतने दिनों तक सस्टेन कर पाना, पहले कोचिंग वगैरह करी अब सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो खर्चा तो आता ही है, और कब तक मांगे इस चीज़ के लिए। अब आगे क्या रुख रहेगा, जैसे एमपीपीएससी की भर्ती अगर नहीं निकलती तो स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं आगे क्या होना चाहिए? स्टूडेंट तो उम्मीद से आ ही रहे हैं सर,
21 का एग्ज़ाम हो गया, 22 का भी एग्ज़ाम होगा, उन सबको उम्मीद है कि आगे भी होगा, लेकिन ये एक प्रकार से अविश्वास जरूर हो गया है आयोग की तरफ कि हमारा स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है लेकिन वो टाइमली नहीं हो पा रहा है। यूपीएससी है वो टाइम से हो पाता है लेकिन हर स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाता, ना उतनी उसकी क्षमताएँ होती हैं, कुछ वित्तिक भी होती हैं, कुछ नॉर्मल मानसिक भी होती हैं, तो एक जब विरोध जताते बिल्कुल, भी हैं, बिल्कुल हेमंत, तो यानी कि एक तो आर्थिक परेशानी तो इनको हो ही रही है, लंबे समय से यहाँ पर ये आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और फीस दे रहे हैं कोचिंग सेंटर्स पर, परेशानी है, साथ ही मानसिक परेशानी भी इनको हो रही है। थोड़ा सा कई बार ऐसा भी होता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो भर्ती प्रक्रिया देरी में होने की वजह से इनमें मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ, कर्ण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो भी कुछ कैंडिडेट्स के साथ मौजूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। बाकी और जैसा कि कर्ण बताया यहाँ पर हेमंत ने कि अभ्यर्थियों को मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कैसा वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में जो है अभ्यर्थी आ जा रहे हैं जिसकी वजह से अब उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है क्योंकि एक स्टूडेंट अपने करियर गोल को जब डिसाइड करता है तो उस दौरान ये तमाम चीजों को सोचता है, अपनी फैमिली को देखता है किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, और कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस जो है वो उन पर बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनका प्री क्लियर है, मेंस क्लियर है, लेकिन इंतजार जो है, दरकार जो है वो दरकार सिर्फ इस बात की है उनका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाना चाहिए। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, किस तरह के मेंटल स्ट्रेस से या परेशानियों से आप इस वक्त गुजर रहे हैं क्योंकि पूरी फैमिली की निगाहें आप पर टिकी हुई है? जी सर, बिल्कुल समस्या है सर, जैसे कोविड के कारण समस्या तो हुई ही है, साथ ही साथ किसी के बिजनेस ठप हो गए, किसानों की उतनी आय नहीं बची है सर, लेकिन देखने को ये मिला कि सर जैसे 4 साल का हमारा इंतजार काफ़ी लंबा होता जा रहा है और हम यही घर वाले भी यही प्रयास कर रहे हैं, रिश्तेदार यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका सिलेक्शन हो और प्रक्रिया पूरी करवाई जाए सर। तो यही मतलब काफ़ी स्ट्रेस से आप सभी लोग गुजर रहे हैं, इस कारण से आपको सड़कों पर आना पड़ा? जी सर, काफ़ी विद्यार्थी तनाव में है, कई विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि कई इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे बड़े शहर छोड़कर अपने गांव चले गए हैं क्योंकि इतना 4 साल 5 साल तक किसी के लिए भी ये झेल पाना इतना सरल नहीं होता है सर, और आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की कमजोर है सर, तो सरकार को और आयोग को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल कारण, और सबसे ज्यादा परेशानी उन छात्रों के लिए भी हो जाती है, उन अभ्यर्थियों के लिए भी हो जाती है जो दूसरे शहरों से पहुंचते हैं, ग्वालियर जैसे शहर में तैयारी करने के लिए, इंदौर जैसे शहर में तैयारी करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहीं पर ये लोग अटके हुए हैं। मेंटल प्रेशर तो है ही, साथ ही यहाँ पर ये इंतजार भी है कि सरकार कब इनकी मांगों को सुनेगी, कब इनकी बातों को सुनेगी, और अब तो #MPPSC लापता जो है वो ट्रेंड कर रहा है, लेकिन सरकार कब जागेगी ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, हालांकि ये देखने वाली बात भी होगी। बहुत शुक्रिया कर्ण आपका जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए अभ्यर्थियों से, आपका भी बहुत शुक्रिया हेमंत।